नमस्कार दोस्तों, नीलूज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी का महापर्व हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर बनाएंगे तो आपको इसे खाकर आएगी अपने देश की मिट्टी की खुशबू। तो आप इसे इस स्वतंत्रता दिवस पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ 8 स्लाइस ब्रेड ली है, फिटा हुआ दही लिया है, हरी चटनी ली है, टोमेटो सॉस ली है और कुटी हुई काली मिर्च और चीनी ले ली है। अब एक बोल में 1 कप मैदा डाल देंगे, इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1/3 चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें पानी डालना है और इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़ने पाए, कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब 1 स्लाइस ब्रेड लेंगे, इस पर हमें हरी चटनी को सभी तरफ अच्छे से फैला देना है, इस तरह से। यहाँ मैंने धनिया मिर्चे और लहसुन की चटनी को पीसा है। आप दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और फेटा हुआ जो दही है उसको इस पर लगाना है। हमें मीठा दही लेना है, खट्टा दही इसमें नहीं लेना है। अब काली मिर्च का पाउडर ऊपर से इस पर छिड़क देंगे, थोड़ी सी चीनी भी इसके ऊपर डाल देंगे अब तीसरी स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और टोमेटो सॉस को पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे। अब चौथी स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। लीजिए, हमारा पहला सैंडविच बनकर तैयार है। अब एक तरफ हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम दूसरी सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं उसी तरह। देखिए, इसी तरह हमें बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको देती हूँ, आप जब भी सैंडविच बनाएं तो एक सैंडविच जब आप तल रहे हों तब आप उसी समय दूसरा सैंडविच तैयार करें। पहले से इसको बनाकर ना रखें, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा। यहाँ मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने 2 सैंडविच एक साथ ही रेडी कर लिए हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा तो जब आप एक फ्राई कर रहे हो तभी बनाइए। लीजिए, ये तैयार है हमारा सैंडविच बनकर। अब इसे जो हमने बैटर बनाया था उसमें सब तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, साइड से ऊपर नीचे सब तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें सैंडविच को बहुत ही सावधानी से डाल देंगे। आंच को हमें इस समय मीडियम कर लेना है। जब हमारा सैंडविच थोड़ा सा सिक जाएगा तो इसमें कलछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर की जो लेयर है उस पर हमें डालना है, ताकि ऊपर की लेयर थोड़ी सी पक जाए। अब इसको धीरे से दूसरी साइड भी हमें सेक लेना है। इसी तरह अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस सैंडविच को तल लेना है। लीजिए, हमारा पहला सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा सैंडविच भी बना करके तैयार कर लेंगे। रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस स्वतंत्रता दिवस पर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा बना करके। लीजिए, हमारा दूसरा सैंडविच भी तल कर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए आ रहे हैं ना, इसमें तिरंगे के हमारे तीनों ही रंग बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रही है ना, देश की मिट्टी की खुशबू इससे। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा ट्राई कलर सैंडविच बनकर तैयार है।
दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा ट्राइकलर सैंडविच। इस स्वतंत्रता दिवस पर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंजॉय, थैंक यू।